हम पश्तून पठान है क्या है पठान और पख्तून है पख्तून पख्तून है हमारा ये कुंबल जो है ना ये पूरा ये इलाका है ना ये पूरा वर्कर है पहले यहाँ पर कम था लेकिन आप पूरा की पूरा बस्ती बन गए यहाँ पर हमारा जो दादा था ना उसका जो परदादा था उस वक्त अंग्रेज़ों का हुकूमत था जिस वक्त वो आ गया यहाँ पर फिर इन्होंने जो गफ़ार ख़ान इन्होंने आपस में क्योंकि फिर हिंदुस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया तब से फिर हम यहाँ पर रह रहे थे फिर हमको बख्श साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया फिर सर्टिफिकेट भी कोई देता नहीं था वो बख्श साहब ने सर्टिफिकेट दे दे दिया और फिर परमानेंट रह गए यहाँ पर हम यहाँ के पठान जो हम हैं यहाँ 50,000 के लगभग 50,000 के करीब हैं यहाँ बहुत बड़ा इलाका जिसे वाइल्ड वुड और गुटली बाग बाबा वाइल छानहार बहुत बड़ा इलाका आता है मैदान वगैरह ये आता है तो यहाँ हमारी कल्चर का मसले में दिन ब दिन जो हमारा ये पश्तू भाषा है दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है ख़त्म इसी वजूहत से हो रहा है कि हमारे पास यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इसके लिए कोई स्कूल नहीं है कोई लाइब्रेरी नहीं है इसीलिए हम इसके लिए बहुत परेशान हैं हमारा लैंग्वेज दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है बस कश्मीर में तो ऐसा लग रहा है कि पहले हमें उठाया ये गुजर एसटी के साथ गुजर बरादरी के साथ पहाड़ियों के साथ तो फिर बैर में इसका कोई पता नहीं चला तो उनको अलग किया हिस्ट्री दिया उनको और पश्तून लोगों को छोड़े इसी तरह हालांकि यहाँ के जो जो मनिष्ठान साहिबान या कोई भी पश्तून लोगों को नीच नज़र से देखते हैं बोलते किसी चीज़ में मुझे रही नहीं है हम दुकान में बैठे हैं दुकानदारी करते हैं किराने की दुकान है साइकिल की दुकान है साथ में नानवाई की दुकान भी है काम कैसे चल रहा है काम तो बहुत कम है जब से हमारे मोदी सरकार आया है तब से कुछ नहीं है ठप है कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है हर एक चीज़ की दिक्कत है दिन को खर्चा अगर 100 रुपया है 80 रुपया हमको नहीं मिल जाता है 20 रुपया खर्चा उधार चढ़ता है लोगों का लोन निकाल दे लोन के बराबर ही नहीं है लोन हमने लोन निकाला था 2 बार लोन निकाला तो वो घर में खर्चा हो गया उनका जो सौदा उठाया था वो ऐसे हमारा सिर पे रह गया कर्जा हर एक चीज़ की सख्ती तो हर एक चीज़ की है अब हम इसको ये लाएं हाँ? ये ले आए इसका हमारे पठान लोगों का लैंग्वेज जो है वो तो आपको मालूम है हमारी लैंग्वेज जो है पश्तो है हम पश्तो में बात करते हैं हमारा आज से 30-40 साल पहले जो था यहाँ बिल्कुल बिल्कुल प्योर पश्तो बोलते थे यानी कश्मीरी शश्मीरी हमको नहीं आती थी और न ही हमें उर्दू भी आती थी जब हम स्कूल जाने लगे पहले हमारी पढ़ाई भी बहुत कम थी बच्चियाँ तो हमारे स्कूल जाती ही नहीं थी क्योंकि हमारा बहुत पर्दा था हमारे कल्चर ऐसा था कि हमारी औरतें जो थी वो घर से तो बिल्कुल बाहर निकलती नहीं थी फिर ऐसा 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 हमारे बच्चे यहाँ से बाहर निकल गए मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे कम से कम 60% कल्चर जो है हमारे चेंज हो गया है